क्रियो के अंदर बनानी है। इसमें सबसे पहले जो है इसकी एक्स वाई डायमेंशन देखें 140 और जो है ना 82 है, और इसकी हाइट जो है मिनिमम दी है यहाँ पे 15 मिलीमीटर। हम क्रियो ऑन करते हैं यहाँ पे, इसमें न्यू ड्राइंग पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने ड्राइंग नंबर जो है दे दी है जी, ड्राइंग नंबर है ये हमारे पास 23, हमने इसका नेम दे दिया जी ड्राइंग नंबर, ड्राइंग 23 लिख के मैंने इसको अनचेक किया, ओके किया। इसमें यूनिट जो है मिलीमीटर न्यूटन सेकंड मैंने सेट किए, ओके कर दिया। ओके करने के बाद मैंने जो है ना क्या किया जी, टॉप व्यू सेलेक्ट किया यहाँ पे और स्केच व्यू पे चले गए। यहाँ पे मैंने सेंटर रेक्टेंगल की कमांड ली, यहाँ से मैंने जो है रेक्टेंगल एक बनाई है विदाउट डायमेंशन, इसको स्केच व्यू किया। ये वाली वैल्यू हमारे पास जो है ना एक्स वाली जो वैल्यू है ये 140 और 82 है, मैंने क्या किया जी ये 82 लिखा, और ये वाली जो है हमारे पास 140, ये मैंने करनी है 140 और ये वाली 82, ये मेरे पास एक रेक्टेंगल बन गई। इसको मैंने ओके किया, कंट्रोल डी प्रेस किया, एक्सट्रूड की कमांड दी, इसकी थिकनेस जो है ना एज पर ड्राइंग दी हुई है जी ये बेस पे 15 मिलीमीटर, 15 मिलीमीटर, हाँ जी मैंने 15 लिख के एंटर किया। ये हमारे पास जो है ना डायग्राम कुछ इस तरह आ गई है। इसको अगर मैं ओके करता हूँ ठीक है, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है ड्राइंग के मुताबिक हमने सेट करनी, जो हमने पहले 82 दी थी उसकी जगह पे 140 कर देते हैं और दूसरे की जगह पे 82 कर देते हैं। इसको एडिट करते हैं वापस पहले वाली कंडीशन में, ये वाला साइज़ मैं कर देता हूँ जी 140 और ये वाला साइज़ कर देता हूँ जी 80 लिख के एंटर, और इसको मैंने कर दिया ओके। ये वही वाली पोजीशन आ गई जो हमारे पास ड्राइंग में दी गई। अब देखें सबसे एंड पे जो है ये एक साइज़ दिया जी 18 मिलीमीटर का और 54 इसकी हाइट है। क्या करता हूँ जी स्केच में जाके टॉप व्यू मैंने सेलेक्ट किया, स्केच व्यू किया, इसमें ये रेफरेंस की कमांड मैंने ली, ये वाली लाइन मैंने सेलेक्ट की, इसके साथ ये वाली की ये एक डॉटेड लाइन आ गई। यहाँ पे मैंने जो है रेक्टेंगल में ऑप्शन लिया कॉर्नर रेक्टेंगल, यहाँ से लेके मैंने इस एंड तक मैंने एक रेक्टेंगल लगाई, ये रेक्टेंगल का साइज है 18 मिलीमीटर, 18 लिख के मैंने ओके कर दिया, कंट्रोल डी करके डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे चला गया। अब ये 18 जो है ये कितनी हाइट पे है, यहाँ पे अगर जो है ना 15 माइनस करें, कैलकुलेटर मैंने खोल लिया जी, यहाँ पे मैंने क्या किया जी 15 ऑलरेडी मैंने लगा दिया जी, 15 माइनस 54 ये मेरे पास हाइट बची जी 39। मैंने क्या किया जी यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल थी इसकी हाइट मैंने दी एक्सट्रूड करके 39 लिख के मैंने एंटर कर दिया और ओके कर दिया। ये हमारे पास ये बैक साइड इसकी बन गई यहाँ पर। इसके बाद जो है ये साइड के ऊपर जो है ना साइज एक दिया हुआ है जिसकी विड्थ दिया जी 12, लेकिन इसकी हाइट दे दी गई है यहाँ पे, ये बाद में देखते हैं इसको जो है ना। ये टोटल हाइट हमारे पास ये 54 हो गई है। इसके सेंटर में उसने कहा जी कि एक R40 का जो है ना सर्कल एक लगना है। मैंने जो है ना ये वाली साइड ली, स्केच में जाके ये वाला फेस मैंने सेलेक्ट किया, स्केच और स्केच व्यू कर दिया, सर्कल की कमांड ली, यहाँ पे सेंटर पे मैंने एक सर्कल बनाया है
जिसका डायामीटर है 14। 14 डाया नहीं है, 14 रेडियस है, तो मैंने 28 लिख दिया। ये मेरे पास ये वाला साइज आ गया। इसको ओके किया, कंट्रोल डी करके मैंने इसको एक्सक्लूड किया और इसकी डायरेक्शन मैंने रिवर्स करके इसको रिमूव मटेरियल कर दिया। ये साइड के ऊपर हमारे पास ये एक सर्कल बन गया है, ये वाला छोटे वाला सर्कल। अब इसके बाहर जो है ना, इस तरह का एक डिज़ाइन सा बना हुआ है जो कि उसका डायमीटर दिया जी R22। मैं क्या करता हूँ जी, स्केच में जाके वापस यही वाला स्केच, ये वाला फेस सेलेक्ट किया और स्केच व्यू किया, सर्कल की कमांड ली, सेंटर मैंने यही रखा है और ये रखना है जी 24 जी 20, मतलब जो था उसका डबल हो जाएगा ये 24। ओके किया, एक और सर्कल मैंने लिया यहाँ पे, यही वाला जो सर्कल था इसको ही मैंने एडिट किया, एक और सर्कल ले लिया, यहाँ से यहाँ तक एक सर्कल लिया, लाइन की कमांड ली, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ली, दोबारा मैंने यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ली। इसको मैंने कर दिया डिलीट सेगमेंट, ये दोनों को मैंने डिलीट कर दिया, ये वाला हिस्सा भी डिलीट और ये वाला भी डिलीट। इसको ओके किया, इसको मैंने कर दिया जी एक्सट्रूड, एक्सट्रूड में डायरेक्शन मैंने रिवर्स की इसकी, कंट्रोल डी किया मैंने, डायरेक्शन इसकी जो है ना रिमूव मटेरियल नहीं करना मैंने, इसको अनचेक किया। ये वाला साइज आएगा यहाँ पे समझ लिया जी 28, टोटल मैंने ये वाली लेंथ दे दी है 28, यहाँ पे लिखा जी 28 लिख के मैंने एंटर कर दिया। ये वाली साइड मेरे पास बन गई है, इसको कंट्रोल डी किया तो इस पोजीशन में आ गए। अब जो है हमने क्या करना है जी, ये वाली जो साइड है यहाँ से एक लाइन, इस यहाँ से ये वाला फेस मैंने लेना है, यहाँ पे मैंने क्या किया जी, स्केच में जाके ये वाला फेस सेलेक्ट किया, स्केच व्यू किया, ये वाली साइड आ गई मेरे पास। ये वाली साइड जो है ना यहाँ से 90 और ऊपर वाली साइड पे 65 है। मैंने क्या किया जी, ऑफसेट की कमांड ली, ये वाले एज से ये वाला साइज है -90, ये एक लाइन मेरे पास आ गई, ये वाली यहाँ से यहाँ तक, और इसकी हाइट हमने रखनी है 65। मैंने यहाँ पे 65 लिखा जी, इसको सिलेक्ट किया तो -65 लिख के मैंने एंटर कर दिया और ओके कर दिया। मैंने फिलेट की कमांड दी इसकी, इसको मैंने आपस में जो है ना जोड़ दिया है। इसके बाद ये हमारे पास पॉइंट आ गया, ये वाला सेंटर पॉइंट, यहाँ पे एक सर्कल बनना है जिसका डाया है 28। मैंने क्या किया जी, यहाँ पे एक सर्कल लिया, सेंटर सर्कल, इसका डायामीटर मैंने दिया है जी 28। इसके बाहर एक और सर्कल लगाना है जिसका डाया है 50, रेडियस 25 है तो सर्कल 50 का लगेगा। मैंने एक और सर्कल लगाया यहाँ पे, ये मैंने दिया है 50 लिख के मैंने एंटर किया। इसके बाद लाइन की कमांड ली, ये क्वाड्रेंट से ये वाले एज तक मैंने एक लाइन लगा दी, इसी तरह ये वाले क्वाड्रेंट से यहाँ पे लाइन लगा दी। इसके बाद मैंने डिलीट सेगमेंट की कमांड ली, इसमें से अब हमें ड्राइंग के मुताबिक सिर्फ सेंटर वाला सर्कल ही चाहिए, ये हिस्सा नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, और ये वाली जो चीज़ें हैं ये मैंने डेल कर दी, ये हेल्पिंग लाइन जितनी थी ये भी डेल कर दी है, और यहाँ पे ये वाला भी मैंने जो नीचा डेल कर दी। इसको मैंने ओके किया, लेकिन इसमें अभी कुछ है कन्फ्यूजन, इसको मैंने एडिट किया दोबारा,
उसने कहा ये वाला हिस्सा जो ना मिला नहीं हुआ, ये वाली लाइन मिस थी, इसको मैंने इसके साथ मिलाया, ओके किया तो ये शेडेड एरिया गया, इसको कंट्रोल डी किया मैंने, कंट्रोल डी किया, इसकी थिकनेस जो है हमारे पास यही हुई है जी ड्राइंग में, ये वाली थिकनेस है जी 22, इसको मैंने एक्सपोर्ट कर दिया है जी, इसके डायरेक्शन मैंने रिवर्स की, साइज दिया जी 22 लिख के मैंने एंटर कर दिया, ओके कर दिया। अब इसी को मैंने करना है जी मिरर दूसरी साइड पे, ये वाली जो लाइन थी इसको मैंने सेलेक्ट किया है और ओके कर दिया है, ये दूसरी साइड पे हमारे पास ये वाला हिस्सा बन गया है, इसको कंट्रोल डी किया है। इसके बाद अब यहाँ पे एक हिस्सा बनना है, मैं यहाँ पे लेता हूँ जी, अब ये टॉप व्यू पे काम करना है, स्केच में गए, ये वाला जो टॉप था इसके ऊपर स्केच किया, स्केच व्यू, अब यहाँ पे मुझे जो है ना इसको चाहिए जी शेडिंग विद एजेस, ये वाले एजेस चाहिए ताकि ये वाला हिस्सा बन सके, ये वाला जो साइज़ है ये इसने दिया हुआ जी यहाँ पे 12 मिलीमीटर, मैंने क्या किया जी यहाँ पे इसको 12 दिया है साइज़, यहाँ से इस एज से ये वाले एज तक मैंने साइज दिया जी 12, इसमें ये कंस्ट्रेंट इसमें कुछ एक्टिव हो गए हैं, ये कंस्ट्रेंट थोड़े डल करेंगे तो डायमेंशन देगा हमें, ये वाला जी ये हमने करना है, यहाँ पे साइज है जी 12, ये वाला भी हमने देना जी साइज 12। अब ये हमारे पास स्क्रीन से थोड़ा सा बाहर निकल गया, उसके लिए आपने ये कंस्ट्रेंट लेना है को इंसिडेंट, हमने ये वाले एज को ये वाले एज के साथ को इंसिडेंट कर देना है, हमने ये वाले को इसके साथ वर्टिकल मिड पॉइंट इसको हमने डेल किया, इसको मैंने डेल किया, जब डेल किया तो उसने इस चीज़ को रिमूव कर दिया जो मैं इरिटेट कर रही थी चीज़ें, ओके किया, कंट्रोल डी किया है और इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया, एक्सट्रूजन हाइट मेरे पास कितनी है जी यहाँ पे ये 28, ऑलरेडी हमने 15 लगाया था, 28 में से माइनस किया तो ये हमारे पास जो है ना 8 और 5, ये हमारे पास 13 मिलीमीटर हमने ऊपर लेके जाना है इसको, ये वाला साइज़ हमारे पास आएगा जी 13 लिख के हमने एंटर कर दिया और ओके कर दिया, ये वाली साइड आ गई हमारे पास। अब इसको फिर हमने जो है मिरर कर देना है, इसको सिलेक्ट किया और ओके कर देना है, दूसरी साइड पे मिरर हो गया। अब रह गया हमारे पास इसका फ्रंट वाला हिस्सा, फ्रंट में क्या है जी यहाँ पे ये दो जो है ये अलहदा से स्केयर की रेक्टेंगल्स बनी हुई हैं, इसके लिए 12 और एंड तक इसने मिलना है इसके साथ, तो दोबारा फिर हम क्या करते हैं जी स्केच पे जाते हैं, ये वाला टॉप व्यू लिया स्केच और स्केच व्यू, यहाँ पे मैंने रेफरेंस की कमांड लेनी दोबारा, यहाँ पे ये रेफरेंस इसी तरह ये वाली रेफरेंस ये है जी, यहाँ पे ये मैंने रेफरेंस दे दिया, इसके बाद मैंने रेक्टेंगल की कमांड ली, यहाँ से मैंने जो है ये रेक्टेंगल बनाई, जब एस्केप किया इसका साइज हमारे पास था 12, मैंने 12 लिख के एंटर किया, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन गया, इसको मैंने ओके कर दिया है, कंट्रोल डी किया और इसके बाद एक्सट्रूड की कमांड दी, ये वाली जो हाइट हमारे पास जो है वो हाइट आएगी यहाँ पे इसने दिया हुआ है जी 28 है, ये भी हम जो है इसको 28 तक ही लेके जाते हैं, मतलब 15 मिलीमीटर ऊपर लेके जाते हैं, मीन्स के अब जो है हमारे पास यहाँ से नीचे तक हाइट जो है ये वाली 12x12 ही है, ये 12 ऊपर और 12 इधर है, मैंने क्या किया जी 12 और 13, ये यही वाला साइज जो था इसको मैंने 12 दे दिया और इसको ओके किया है, फिर मैंने मिरर की कमांड ली, इसको मैंने मिरर कर दिया दूसरी साइड पे, ये वाला हिस्सा बन गया हमारे पास,
अब दोबारा मैं जो है ना स्केच पे जाता हूँ, यही वाला जो फेस है इसको मैंने सेलेक्ट किया और स्केच भी कर दिया। अब ये फ्रंट के ऊपर ये सर्कल एक बनाना हमने सेंटर में, इसका डायमीटर 22 है और रेडियस 18 दिया होगा। मैंने क्या करना जी, सबसे पहले सर्कल की कमांड ही सेंटर में, यहाँ पे सेंटर में इसका डायमीटर दिया है जी हमारे पास जो है अभी जो है वो है 30, लेकिन ड्राइंग में दिया हुआ 22, मैंने 22 दिया है। ओके, एक और सर्कल लिया, इसका डायमीटर मेरे पास जो है ये वाला डाया है ड्राइंग में 18 36 है, मैंने 36 लिख के एंटर कर दिया और मैंने ओके किया। इसको मैंने कंट्रोल डी किया, कंट्रोल डी किया है तो क्या है जी हमारे पास जो है हमने ये बाहर वाले को जो है ना पहले एक्सट्रूड कर लेते हैं, अंदर वाला हमने सब्ट्रैक्ट करना है। उसके लिए इसी स्केच को मैंने एडिट कर लिया, यहाँ पे एडिट पे क्या हूँ, ये अंदर वाला जो सर्कल था ये मैंने डैल कर दिया, ये बाद में बनाएंगे एक्सट्रूड करने के बाद। इसको एक्सट्रूड किया, इसकी डायरेक्शन मैंने नीचे वाली साइड पर दी और इसका साइज़ मेरे पास है ड्राइंग में 15, मैंने यहाँ पे लिखा जी 15, ये लिख के एंटर किया और ओके कर दिया। इसके बाद दोबारा स्केच में यही वाला फेस लिया हमने, सेंटर की कमांड ली, सर्कल की कमांड ली और इसने इसका सेंटर हमें दे देगा जब हम इसके टॉप व्यू में जाएंगे। यहाँ से ये टॉप पे गए, इसका डायमीटर मेरे पास है कि 22 लिख के मैंने ओके कर दिया, कंट्रोल डी प्रेस किया है एक्सट्रूड और इसको मैंने रिमूव मटेरियल कर दिया, रिमूव मटेरियल किया और इसको मैंने कंट्रोल डी किया है तो ये हमारे पास जो है वही वाली डायग्राम बन गई है जो हमें रिक्वायर्ड थी। अब इसके ऊपर हमने जो ना डायमेंशन दे देनी है, इनोटेट्स देने हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं जी, इसको इनोटेट देने के लिए इनोटेट्स पर जाते हैं। इनोटेट्स में हमने सबसे पहले जो टॉप व्यू है ये टॉप इसको सिलेक्ट करना है, इसके बाद मैं डायमेंशन पे क्लिक किया और ये वाले एज पे क्लिक करके माउस का सेंटर बटन प्रेस किया, ये डायमेंशन आ गई। अब मेरे पास ये वाली लाइन है, ये डायमेंशन मुझे ऐसे फ्रंट पे चाहिए, मैंने फ्रंट पे शो कर दी, ये डायमेंशन आ गई 82। इसके बाद हमें जो है ना ड्राइंग में बेस में यही वाली दी हुई है जी, टॉप पे डायमेंशन 28 एक दी हुई है, 18 20, यहाँ पे मैंने ये डायमेंशन ली, यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन ली तो ये 28 ही दी हुई है। इसी तरह ये जो सर्कल था इसके लिए मुझे फ्रंट व्यू चाहिए, इसका मैंने कैंसिल किया, ये फ्रंट पे मैंने क्लिक किया, यहाँ डायमेंशन पे क्लिक करना है, ये हमें जो है डायमेंशन दे रहा है जी R14, ये वाली हमने ये वाली दे दी थी डायमेंशन, इसमें ये वाले एज की कितनी डायमेंशन हैं वो शो हो जाएगी, ये वाले एज की जो है डायमेंशन कितनी है वो हमने शो कर दी, यहाँ से टोटल डायमेंशन हमने वो शो कर दी है, फिर हमने इस एज की डायमेंशन वो हमने जो है ना शो कर दी, ये कितनी थी 28 ये वाली डायमेंशन थी। इसके बाद ये हमारे पास जो है ना ये सर्कल की ये वाली डायमेंशन है ये 64 देनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं जी, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से सेंटर से कंट्रोल प्रेस करके यहाँ तक मैंने डायमेंशन दी सेंटर टू एंड, जो है ना डायमेंशन हमारे पास ये वाली आ गई, मैंने यहाँ पे क्लिक किया ये डायमेंशन आ गई। अब ये वाले दूसरे फेस पे हमने काम करना है, उसके लिए दोबारा हम क्या करते हैं जी, लेफ्ट व्यू करते हैं जी, ये राइट मैंने किया जी, राइट में हमने जो ना थे डायमेंशन ली, ये वाली डायमेंशन ये शो हो गई, ये अंदर वाली डायमेंशन, ये फिर मैंने इसी तरह
डायमेंशन में जाके ये वाली डायमेंशन शो कर दी। इसके बाद ये वाली भी डायमेंशन मुझे चाहिए, ये वाली 27 है। यहाँ से इस एज से लेके ये वाले एज तक ये एक डायमेंशन मैंने देनी है, ये डायमेंशन आ गई। और इसी तरह हमारे पास सारी हमने डायमेंशन तकरीबन शो कर दी हैं। यहाँ पे ये 47 ये डायमेंशन आ जाएगी। अब हमने यहाँ पे टॉप भी खोला है, ये टॉप खोला है, टॉप में जाके हमने ये डायमेंशन, इसको मैंने स्केल किया और डायमेंशन ली हैं। यहाँ पे क्लिक करके ये डायमेंशन शो कर दी। इसी तरह ये हमने डायमेंशन यहाँ पे शो कर दी है। ये जो सर्कल था ये डायमेंशन है, इसकी डायमेंशन ये वाली है। अब यहाँ पे जो डायमेंशंस हैं इनको मैंने इसी तरह जो ना जिस तरह ड्राइंग में दी हुई थी उसी तरह मैंने तकरीबन डायमेंशन दे दी है। अब ये जितनी बीच में डेटम जो ना तंग कर रहे हैं, आपने यहाँ पे जाना ग्राफिक टूल बार पे, इन सब को जो ना डीसेलेक्ट कर देना है। जब डीसेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो ना ये ड्राइंग इस तरह शो हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें कुछ डायमीटर शो हो रहे हैं, कुछ रेडियस शो हो रहे हैं। इसी डायमेंशन के ऊपर डबल क्लिक करें तो यहाँ पे हमें जो है ना इसी का एडिट करने के लिए देता है जी। तो आपने यहाँ पे डिस्प्ले में डायमीटर शो करना है, ये डाया किया तो इसने हमें डाया दे दिया है। अगर ये वाला हमने रेडियस करना है तो यहाँ पर ये रेडियस भी दे देगा। आर्क लेंथ फाइंड करनी है, ये वाला डाया हमारे पास कितना था, इसी के ऊपर डबल क्लिक करके हमने ये डायमीटर दे दी। और इसमें डायमेंशन टेक्स्ट जो है ये वाली वैल्यू हम अपनी मर्जी से भी चेंज कर सकते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स जो है ना ये कर सकते हैं। यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मेट जो है ना चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इसके अलावा राउंड फिगर जो है ना ये है, प्रिसीजन है, ये इस तरह हमारे पास जो है ना एज पर ड्राइंग जो है ना हमने व्यू जनरेट 3D ऑब्जेक्ट जो है ना वो बना दिया है। अब इसको मैंने कर दिया जी सेव, इसको पहले नाम से ही मैंने सेव किया है, ड्राइंग 23 के नाम से इसको मैंने सेव कर दिया। अब इसके व्यू जनरेट करने हैं जी, फायर में जाके न्यू, यहाँ पर ड्राइंग 23 के नाम से मैंने इसको सेव करना है। यहाँ पे ऑप्शन लेनी है ड्राइंग की, ओके किया, इसको यूज टेम्पलेट पे क्लिक किया और A4 पेपर मैंने सेलेक्ट किया, ओके किया। जब ओके किया तो इसने इसके व्यूज जो है ना वो खुद ही इसने जनरेट कर दिया, फ्रंट ये ऐसा है, टॉप ऐसा है और साइड ऐसा है, क्योंकि हमारे पास जो है ना ऑलरेडी जो हम ऑब्जेक्ट बना रहे थे उसी के व्यू इसने कर दिए हैं जनरेट। अब जनरल व्यू पे जाके यहाँ पे अब हमें 3D चाहिए, हम क्या कहते हैं यहाँ पे ओके करके यहाँ पे हमने क्लिक किया तो इसने हमें जो है ना उसी ऑब्जेक्ट की जो है ना 3D शो कर दी। ये अगर ऑब्जेक्ट हमें थोड़ा छोटा नज़र आ रहा है ड्राइंग पेज के ऊपर तो ये नीचे है ड्राइंग स्केल 0.33 है, 0.6 कर दें तो ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इस व्यू का पेज के ऊपर सेट करना है, उसके लिए लॉक व्यू जो है ना ये वाली ऑप्शन ख़त्म करनी है यहाँ पर, तो फिर जो है ये हमारे पास व्यू कम मर्जी से मूव कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके इसको मूव की कमांड भी, इसको ये सारे को सिलेक्ट करके हम मूव कर सकते हैं नीचे, इधर ले जाएं, इसको सिलेक्ट करके हम जो है राइट पे ले जाएं, इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे ले लिया। इसको हमने जो है ना जहाँ पे भी ये सेट हुआ इसके ऊपर डायमेंशन जो मिसिंग है वो हमने दोबारा इनोटेट्स में जाके डायमेंशन दे देनी है। यहाँ पे ये डायमेंशन कितनी है, जो जो डायमेंशन है वो आपने शो कर देंगे। ये जो मिसिंग है यहाँ पे ये आर्क है, ये वाला रेडियस दे दिया है, ये वाला हमने ये वाला दे दिया है दोबारा डायमेंशन, ये हमने डायमेंशन दे दी। इसके बाद ये वाली डायमेंशन आ गई, टोटल डायमेंशन हमारे पास ये वाली आ गई। यहाँ पे कुछ डायमेंशन अगर मिस हैं तो यहाँ पे दे देनी है,
यहाँ वाली डायमेंशन शो करानी है। और जब ये सारी चीज़ें इस तरह सेट हो जाएं, इसके बाद आपने जो है इसमें इसके ऊपर अपना नाम लिखना है। नाम के साथ लिखेंगे वापस वही वाली ड्राइंग में जाएंगे, यहाँ पे मॉडल पे क्लिक किया, स्केच पे क्लिक किया, यहाँ फ्रंट पे ऊपर आपने अपना नाम लिखना है, स्केच व्यू, स्केच की कमांड दी, यहाँ से ऊपर वाली साइड तक मैंने इतनी साइज दिया जी, यहाँ पे मैंने लिखा जी कोई भी लिख दिया जी। मैंने यहाँ पे अपना लिख दिया, मैंने ओके किया, तो ये नाम यहाँ पे लिखा गया है, इसको मैंने ओके किया, एक्सट्रूड की कमांड दी, ये 3D में नाम भी लिखा गया है, इसकी थिकनेस मैंने 3 मिलीमीटर दी, इसकी डायरेक्शन मैंने रिवर्स करनी है तो रिवर्स कर सकते हैं, और रिमूव मटेरियल करना है, रिमूव मटेरियल किया और ओके किया, तो ये देखें यहाँ पे नाम जो है इसके ऊपर लिखा गया है। कंट्रोल डी, इसके व्यू जिस तरीके से मैंने बताए हैं जनरेट करने हैं उसी तरह व्यू जनरेट करने हैं। तो इस तरह हमने जो है ना ये जो है ना ब्लॉक जो था, होल्डिंग ब्लॉक कह लें या कोई भी ब्लॉक कह लें, सपोर्टिंग ब्लॉक है, ये 2 या 3 कंपोनेंट को आपस में रिलेटिवली मूव करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो ये हमने इस तरह कंप्लीट कर लिया फिर।